सदियों पुरानी ये इमारत पूरे हिंदुस्तान का शानदार अतीत अपने अंदर समेटे है। इसकी दीवारें आज भी इस मुल्क के इतिहास की दिलचस्प गाथाएं सुनाती हैं। यह है जूनागढ़ का किला, जिसे ऊपरकोट किले के नाम से जानते हैं। यह किला चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग 320 ईसा पूर्व में बनवाया गया था और यह जूनागढ़ का सबसे प्राचीन हिस्सा है। 2300 साल बीत गए। इन 2300 सालों में इस किले ने बहुत से राजा देखे, सियासतें देखी, आक्रमणकारी देखे, हमले सहे और इन सभी कहानियों का मूक गवाह बना रहा। इस किले की दीवारें कहीं कहीं 20 मीटर तक ऊंची है। ऐसा माना जाता है कि एक बार कुछ आक्रमणकारियों ने इस किले की 12 साल तक घेराबंदी की थी, लेकिन किले को फतह नहीं कर पाए थे। इस किले के दूसरी तरफ 300 फुट गहरी खाई है। प्राचीन समय में इस खाई में पानी भरकर उसमें खतरनाक मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। इसकी वजह यह थी कि अगर कोई भी हमलावर किले की ऊंची दीवारों पर चढ़कर अंदर प्रवेश करना चाहेगा तो वो व्यक्ति या तो मगरमच्छ से भरी खाई में गिर जाएगा या ऊपर लगे कंगूरों की चपेट में आ जाएगा। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले के अंदर एक जामा मस्जिद है। ये मस्जिद अपने अद्वितीय और विशाल आंगन और नक्काशीदार अष्टकोणीय खुली संरचना के लिए जानी जाती है। मस्जिद के अलावा इस किले के अंदर यहां गणेश, हनुमान और शक्ति के मंदिर हैं। किले के प्रवेश द्वार के अंदर आप ऊपरकोट के विभिन्न शासकों के प्रतीक को देख सकेंगे। जूनागढ़ रियासत का निर्माण अंग्रेजों ने 1730 में किया था। 1807 तक यह रियासत अंग्रेजों की ही अधीन थी। आजादी के बाद यहां के नकाब महाबत खांजी अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन उनकी कुछ हरकतों ने पड़ोसी रियासतों को नाराज कर दिया। साथ ही देश के पहले गृहमंत्री पटेल भी ऐसा नहीं चाहते थे, जिसके कारण तत्कालीन भारत सरकार ने उनका पाकिस्तान मिलन रोक दी और उनको उनकी सीमाएं बता दी। इस किले की छत पर आज भी एक तोप मौजूद है। इस किले में कुआं भी है, जिसका नाम है अड़ी कड़ीबा। 9 परतों वाले इस गहरे कुएं में पत्थरों की सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। इस कुएं की भी एक ऐतिहासिक कहानी है। कहते हैं कि कई महीनों तक इस कुएं की खुदाई का काम चला था, लेकिन 9 गुना ज्यादा गहरी खुदाई के बाद भी जब इस कुएं से पानी नहीं निकला तो एक ज्योतिषी ने बलि देने की सलाह दी। इसके बाद अड़ी कड़ी नाम की दो बहनों ने इस कुएं में कूदकर बलिदान देने का फैसला किया। बलिदान के साथ ही कुआं पानी से भर गया। 2300 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यह कुआं कभी सूखा नहीं है। दोनों बहनों की याद में आज भी कुएं के पास एक पेड़ पर चूड़ियां और चुनरी बांधने की मान्यता है। जूनागढ़ के ऊपरकोट किले में अड़ी कड़ी की बाव के पास ही है बौद्ध गुफाएं। ये गुफाएं भी उतनी पुरानी हैं जितना कि ये किला, यानी ये गुफाएं भी लगभग 2300 साल पुरानी हैं। इन्हें दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी में तराशा गया और इनमें सात वाहन वास्तुकला के साथ साथ यूनानी स्तकी शैली का मिश्रण दिखता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये गुफाएं 3 मंजिली हैं और 2 मंजिलों की गुफाओं में फर्श का भी निर्माण किया गया है। इस कारण से ये माना जाता है कि ये गुफाएं नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षुओं का हॉस्टल हो सकता है। इन गुफाओं का भार वहन करने वाले स्तंभ अर्ध रूप से देखे जा सकते हैं।
इन बौद्ध गुफाओं के टॉप फ्लोर पर एक गहरा जलाशय, जिसके तीन ओर बरामदे और पश्चिमी की तरफ कमरे हैं। गुफाओं की निचली मंजिल पर एक गलियारा और स्तंभ है। इन स्तंभों की नक्काशी आपका मन मोह लेगी। इनके निचले, मध्यम और ऊपरी भागों पर अलग डिजाइन दिखते हैं। गुफाओं में सुंदर स्तंभ व द्वार, जलाशय और घोड़ों की नाल के आकार की खिड़कियां हैं। ध्यान लगाने के लिए एक सभागृह और कक्ष भी है।